दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, जो दोस्तों 2008 में जो पेपर आया था संविधा शिक्षक वर्ग एक का, उसमें जो प्रश्न दिए थे वही लेकर आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन या न्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि जब पानी उबलता है तो उसका तापमान, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, वैसा ही रहता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि जंग लगने से लोहे का भार, इसका आंसर है दोस्तों बी, बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों तीसरा, बॉक्साइट किसकी सच्ची धातु है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, एल्यूमिनियम की सच्ची धातु है। अगला है दोस्तों चौथा, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि, इसका आंसर है दोस्तों डी, यहाँ जल कथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा, साधारण नमक का रासायनिक नाम है, दोस्तों इसका आंसर है सी, सोडियम क्लोराइड। अगला है दोस्तों सातवां, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, पानी का भाप में बदलना। अगला है दोस्तों आठवां, रासायनिक दृष्टि से शुष्क बर्फ क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है दोस्तों नवा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, H2CO3। अगला है दोस्तों दसवा, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दोस्तों किसने किया था, तो इसका आंसर है सी, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला है दोस्तों ग्यारहवा, लाल रक्त कणिका किस में बनती है, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अस्थिर मज्जा में बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों बारहवा, भोजन प्रायः किसमें पचता है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, छोटी आंत में भोजन प्रायः पचता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज तार प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अनुचित रूप से अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकने हेतु। अगला प्रश्न है दोस्तों चौदहवा, डायनामो किस ऊर्जा को बदलने में काम देता है, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पंद्रहवा, बादल की गरज की आवाज के पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कहीं अधिक है। अगला दोस्तों सोलवा, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाला व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों ओ। अगला प्रश्न है दोस्तों सत्रहवा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कमल। अगला है अठारहवा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है, दोस्तों इसका आंसर है डी, टंगस्टन का। अगला है उन्नीसवा, धातुएं विद्युत की बेहतर चालक होती है क्योंकि, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है दोस्तों बीसवा, लास्ट प्रश्न है, जल से भरे बर्तन की सतह पर पड़ा कोई सिक्का ऊपर उठा नजर आता है, इसका आंसर है दोस्तों बी, अपरिवर्तन के नियम के अनुसार। दोस्तों आज इसके 20 क्वेश्चन लाया था मैं, क्योंकि 2008 में जो पेपर आया था दोस्तों उसमें 20 क्वेश्चन पूछे थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।